बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। आज यकम दिसंबर 2020, पीर का दिन और असर की अजान हो चुकी है। चलें असर की अजान से पहले एक आध ले लेते हैं, लेकिन वॉइस मैसेजेस आते ही जा रहे हैं। चलो ये देख लेते हैं, ऊपर लिखा हुआ है गाय रात मूत्रा इसका मतलब ये ऑलरेडी ये चल रहा है सिलसिला। तो आज इनका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम सर, चकवार से अर्शद बात कर रहा हूँ सर। अल्हम्दुलिल्लाह, जो आपने पहले दवाई दी गाय बिल्कुल ठीक हो गई है, अल्लाह। लेकिन सर उसको खांसी बहुत ज्यादा है। कोई अच्छा खांसी के लिए कोई उसको बता दी जाए इलाज, ताकि उसकी खांसी ठीक हो जाए। अच्छा चलें जी, ये रात मूत्रा इसका ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये है कि रेज का मेरी जान गाय को अगर खांसी इसको ज्यादा हो गई है तो आप एक लिखें एक्सिनल आरटीयू, एक्सिनल आरटीयू 25 सीसी का इंजेक्शन इसको लगा दें, और अगर हमला नहीं है तो सोलन एम 25 सीसी का वो भी लगा दें। 3 दिन लगाएं ये दोनों टीके, इंशाल्लाह ताला खांसी, वो कहते हैं ना गोली अंदर ते खंग जलंधर, तो इंशाल्लाह ताला ये जलंधर ही चली जाएगी। जलंधर वाले भी चूंकि मेरे प्रोग्राम देखते रहते हैं और मुझे कॉल्स भी आती रहती हैं, एक मेरी वहाँ बेटी समझे बेटी है नीतो पुत, ये ना समझी मैं थोड़े आल ये खंघ सुट भेज दीती है, ये इदा ही कहा जाता है इतने कि गोली अंदर तो खंघ जलंधर खत्म हो जाती है। तो ये मेरी जान ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। और साथ इसको सेलाइन लेक्चरी, वो मेरा प्रोग्राम देख लें जिसमें मैंने अलसी, अगर समझ ले 500 ग्राम अलसी है तो उसमें 250 ग्राम मलट्ठी डाल लेते हैं आधी, और 500 ग्राम ही उसमें गुड़ डाल लेते हैं, और कोई 50 ग्राम या एक छटाक उसमें नुशादा डाल लेते हैं। ये सारी को यकजान करके, और जिनको पीसना पड़ता है उनको पीस लेते हैं, और जिनको ग्राइंड करके और गुड़ के साथ मिला के वो थोड़ा थोड़ा देते रहते हैं, जिससे गुलकंद देते हैं, इसी तरह इनको 100 ग्राम 200 ग्राम दे दिया करें, खांसी खुद ठीक हो जाएगी। लेकिन बेस्ट वो टीके काम कर जाएंगे, लेकिन सोलन आम उस सूरत में लगाना है जब हमला नहीं है, अगर हमला है फिर नहीं लगाना, और लेकिन दूसरा एक्सिनल आरटीयू वो लगाना है। और मुझे खुशी हुई अर्शद के आपकी गाय का रत मूत्रा ठीक हो गया, तो हम याद रखें फीमान ला।